मुंबई की रहने वाली श्रद्धा आफताब के प्यार के चक्कर में ऐसा पड़ती है कि 35 टुकड़ों में बट जाती है। ये वही श्रद्धा जो मुंबई से आफताब के साथ में रहने के लिए लिविंग रिलेशनशिप में आकर के दिल्ली में रहती थी। उनको नहीं पता था कि हमारे 35 टुकड़े महरौली के उन जंगलों में फेंके जाएंगे जहां पर बहुत बड़ा जंगल है, जहां पर जीव जंतु रहते हैं। मेरे शरीर के वो 35 टुकड़े इसी शख्स द्वारा 10 घंटे में काटे जाएंगे, ये श्रद्धा को कानों कान तक खबर नहीं थी, उसे पता ही नहीं था। शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती ये रही जब उसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना। यार 35 टुकड़े, आप अगर अपने पसंदीदा शर्ट के भी 35 टुकड़े करो तो आपके नहीं होंगे। यार हमारा शर्ट फट जाता ना तो दर्जी के पास जाते हैं कि दर्जी के पास जाते हैं, कहते हैं भाई साहब इसे जरा सिल देना, ये मेरा शर्ट फट गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे पहनूंगा। आप उसमें टाका लगवा करके, सिलन लगवा करके दोबारा पहनते हो। लेकिन उस आफताब ने अपनी मनचाही प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए। ये बात बहुत सोचने वाली बात है हम सभी विद्यार्थियों के लिए, हम सभी युवा वर्गों के लिए, हम सभी माता पिता के लिए। बेटे को पालो, बेटी को पालो, संस्कार दो, लेकिन इतना संस्कार मत दो, इतना मत सर पे चढ़ाओ, इतना मत उसे बहलाओ, इतना मत उसे छूट दो कि वो तुम्हारे सर पे ही चढ़ जाए, अपने कर्तव्य ही भूल जाए, तुम्हारे संस्कार दिए भूल जाए, तुम्हारा कहना ना माने। यार प्यार क्या होता था, आपने कभी देखा है आपके बाबा दादी कभी एक पास बैठ के हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, कभी एनिवर्सरी मनाई, क्या वो प्यार नहीं था? कि प्यार यही है, हम लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे जब भी प्यार है, हम हर वर्ष एनिवर्सरी मनाएंगे जब भी प्यार है, हम हाथ में हाथ डाल के चलेंगे जब भी प्यार है। प्यार नहीं है ये हम दिखावा करते हैं प्यार का। हमने देखा है गांव में पुराने लोग शराब पीते थे, शराब पी करके आते थे ना तो साइड में गड्ढे में साइड में खेत में पड़े रहते थे, तो उनकी ही पत्नी जाती थी और उनको उठा करके झाड़ पोंछ के लेके आती थी, घर में चुपचाप सुलाती थी, खाना देती थी। अरे भाई साहब प्यार तो ये है कि प्यार ये है जरा सी बात पे 35 टुकड़े कर दिए, ये प्यार नहीं है, एक वासना थी। प्यार तो शादी के 3-4 साल बाद होता है, उससे पहले सब दिखावा होता है। कभी आपके बाबा दादी ने मनाया ना मंसूरी, कभी आपके दादा बाबा कभी आपके गए नैनीताल मंसूरी घूमने, क्या उनके अंदर प्यार नहीं था? था, लेकिन दिखावा नहीं था। इस श्रद्धा और आफताब की जो कहानी है ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए इस जीवन में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें अपने से बड़ों का हमेशा कहना मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमारे संस्कृत में लिखा भी गया अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविना चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अरे बड़े लोगों का अभिवादन करने से, कहना मानने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। जब आप कहना नहीं मानो तो आपके 35 टुकड़े तो होने स्वाभाविक ही हैं। खैर मनाओ, 35 टुकड़े शख्स ने कैसे करे, सोच के दिल झकझोर हो रहा है। 35 टुकड़े कैसे करे वो भी शख्स आफताब जब 35 बताते, श्रद्धा के शरीर को काटने में जहां तक मैंने सुना 10 घंटे का समय लगा, 10 घंटे में श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। क्या मनुष्य हो क्या हो आप, गरम पाली डाल डाल के आरी से काटा गया, कैसे आपने काट लिया, कैसे आपने छुपा लिया, इतनी बड़ी साजिश कैसे आपने कर लिया। हम युवा वर्ग को इस चीज के बारे में चिंतन मग्न करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भाई हमारी बहन कहां जा रही है, हमारी बेटी कहां जा रही है, क्या आपने कभी पीछा किया? हमारी बेटी प्रैक्टिकल का बहाना बता के कहां जा रही है, कॉलेज का बहाना बता के कहां जा रही है, आपने कभी पीछा करा? नहीं करा। इसी का खामियाजा आज हम लोग भोग रहे हैं। ऐसी अनेकों श्रद्धाएं जाएंगी हमारे देश से अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो हमारे भारत देश से ऐसी बहुत सारी श्रद्धा जाएंगी और भारत देश की सारी श्रद्धाएं मिट जाएंगी। आज 35 हुए हैं, कल 72 होंगे। इस पर बहुत ज्यादा चिंतन मग्न करने की आवश्यकता है। प्यार, प्यार का नाम देकर के 35 टुकड़े,
बताते हैं कि जब सिगरेट पीता था तो सिगरेट से उसका बदन जलाया करता था। ये प्यार है? हमें तो नहीं लगता प्यार है। प्यार तो हमारे दादा बाबा मिलजुल के रहते थे लोग, अब बाप बेटे पे धौंस दिखा रहा है, उल्टा जमाना आ रहा है। हमें अपनी संस्कृति के प्रति अनूठा प्रेम तो है, राग तो है, लेकिन हम उसके प्रति कुछ करना नहीं चाहते। हम शुरुआत अपने से नहीं करना चाहते। अभी बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं ना, ऐसी देख करके घटना भी अभी उनकी आंखों पे पट्टियों लगी। बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी हैं, ऐसी घटना देख करके, जी मेरा वाला तो ऐसा है ही नहीं। जब चक्कर में पड़ोगी ना तो मेरा वाला भी और तेरा वाला भी 35 टुकड़े हो जाएंगे, घर वाले पता भी नहीं लगा पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में यार? हम लोग अपने जीवन का पॉइंट अब समझ ही नहीं पाते। जीवन क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ए बड़े भाग्य से हमारा मनुष्य शरीर मुझे मिला और इसका भी हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सोना बाबू धनिया पुदीना में लगा रहे हैं, आधी उम्र में ही चले जा रहे हैं दुनिया से। माँ बाप को अपार दुख दे के जा रहे हैं भाई, वो किसके सामने कहे, किससे कहे? उसने मना भी करा तो श्रद्धा ने कहा कि मैं 25 साल की हो गई, मुझे खुद पता है, मेरी ईयर मेरी एज 25 है, मुझे खुद पता है कि मैं किसके साथ में सेफ हूं। देख लिया सेफ का नतीजा? अगर हम जागरूक नहीं हुए तो ऐसी बहुत सारी श्रद्धाएं, मैं दोबारा से वही बात कहना चाहूंगा, बहुत सारी श्रद्धाएं हमारे देश से चली जाएंगी। आज हमें जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जितना समझो उतनी ज्यादा हो सकता है भाई। शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी, किसी से नहीं, शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अपने आप से शुरुआत करो, अपने आप को सुधार लो, सब कुछ हो गया। मंदिर मत जाओ, भजन मत करो, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। अपनी आदतें संभाल लो, भजन हो गया। घंटा लेने से कोई फायदा नहीं, मंदिर में जाके पूजा कर रहे हो, आदत तुम्हारी नहीं ठीक है, आदत संभालो। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लो, बड़े बूढ़ों का कहना मानो, उनके चेहरे पर प्रत्येक झुर्री पर हजारों अंक अनुभव अंकित होते हैं, हजारों अनुभव। वो हमें जो बात बता रहे हैं यार, उसके बारे में तो हम सोचे, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। हम तो सोचते बेवकूफ हैं, इनको क्या पता, पुराने ख्यालातों का आदमी है ये। लेकिन उनकी बात का स्मरण करना चाहिए यार, आप करके देखो, आपका बेनिफिट ही है। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सब लोग बुद्धिजीवी हो, लेकिन मेरे उन सभी स्टूडेंटों के लिए ये है जो मुझसे जुड़े हैं। धन्यवाद।